बच्चों गुड मॉर्निंग। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27। डेट है 22/1/2021। सब्जेक्ट है साइंस और क्लास है 7th। आज का जो टॉपिक है वो है लाइट, आपका फेवरेट टॉपिक है। जब हम क्लास में एक्टिविटीज़ करते हैं कैंडल वाली तो आप लोग बहुत खुश होते हो, आई एम मिसिंग यू ऑल, बट आई होप कि हम जल्दी मिलेंगे। चलिए फिलहाल लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वी हैव लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ एज इट कैनॉट पास थ्रू द बेंड पाइप। पिछली बार हम लोगों ने एक्टिविटी करी थी जिसमें हम लोगों ने एक पाइप बनाई थी। खैर मैंने तो स्कूल में जो करवाया था पिछले साल भी बच्चों को, उसमें हम लोगों ने एक गत्ते की हमने पाइप बना के कैंडल को देखा था। तो हमने ये देखा था कि अगर हम उसको पाइप को सीधा रखते हैं तब तो हमें कैंडल नज़र आती है, लेकिन जब हम उसको जहाँ बेंड कर देते हैं हमें कैंडल नज़र नहीं आती। इसका मतलब कि जो है वो लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन गेट्स चेंज्ड। जब लाइट फॉल करती है शाइनी सरफेस पे, शाइनी सरफेस मतलब चमकदार सरफेस में, तो इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन गेट्स चेंज। ये क्या होती है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है वो बदल जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट ली हम लोगों ने, अ शाइनिंग स्टील स्पून लिया, और इवन द सर्फेस ऑफ वाटर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दीज बिहेव लाइक द मिरर। आपने देखा भी होगा कई बार हम लोगों शीशे पे कांच की जो प्लेट है जैसे, उसमें तो हमें आर पार नज़र नहीं आता, लेकिन स्टील का कोई नया बर्तन लेकर आए तो उसमें हमारी शक्ल हमें नज़र आती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है ना, उसकी वजह से हम लोगों की शक्ल उसमें नज़र आती है, राइट? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम मिरर की बात करें तो एनी पॉलिश्ड और अ शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर, कि कोई भी चमकदार जो है पॉलिश सरफेस जो है वो मिरर की तरह, शीशे की तरह काम कर सकती है, राइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर जो है उसका काम है लाइट की डायरेक्शन को बदलना, ठीक है? और उसकी जो डायरेक्शन बदलती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन को हिंदी में आई थिंक अपवर्तन कहते हैं, ठीक है? अब ये कहानी आती है कि ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कब होता है। ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट या जो लाइट छोड़ रहा है दैट इज रिफ्लेक्टेड, वो पलट के वापस आती है फ्रॉम देम। कहाँ से पलट के वापस आती है? जहाँ पे वो टकराती है और फिर हमारी आंखों में रीच करती है। जैसे देखो, अगर एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, तो अगर ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे हुई तो जब ये पलट के इधर गई तब हम लोगों को हमारी आईज में ये नज़र आएगी, ठीक है? समझ आया? ठीक, तो ऑब्जेक्ट हमें तभी विजिबल होता है जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है और फिर हमारी आंखों पर पहुंचती है। लेट अस लर्न विद एन एक्टिविटी। इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। एक आप लोगों ने मिरर ले लिया है और ठीक है, एक मिरर ले लिया है और मिरर के आगे आपने एक लाइटेड कैंडल, जलती हुई कैंडल रख ली है, ठीक। अब ये है, ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। अब तुम इस फ्लेम को इस मिरर पे देखने की कोशिश करो। इट अपीयर्स एज इफ द सिमिलर कैंडल इज प्लेस बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगता है जैसे कि एक कैंडल और रखी हुई है मिरर के पीछे, शीशे के पीछे। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द लाइटेड कैंडल। और यहाँ पे जो ये कैंडल हमें नज़र आती है यहाँ पे, तो वो बेसिकली क्या है, इसकी इमेज है, इस वाली की इमेज है, ठीक है? और वो किससे बनी? मिरर से बनी। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशंस। अब कैंडल को मूव करो अलग अलग पोजिशन में, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। तब उसको ऑब्जर्व करो कि क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, ठीक है, वो मिरर के बिहाइंड बनती है, पीछे बनती है, वो बिल्कुल सीधी होती है, सेम साइज़ की होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है। कहने का मतलब ये है, अगर आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ तो ये तो है नहीं कि अगर आप हो 2 फुट के तो आप नज़र आओगे 4 फुट के, ऐसा तो नहीं होगा। जितनी आपकी हाइट है उतनी ही वहाँ पे नज़र आएगी, सेम मतलब साइज़ सेम होगा, ठीक है? तुम सीधे खड़े हो तो तुम सीधे नज़र आओगे, और जितने डिस्टेंस तुम शीशे से पीछे हो उतने ही इमेज शीशे के पीछे बनती है, ठीक? तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर की कैसी होती है इमेज बनती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी, राइट? एक चीज़ और होती है प्लेन मिरर की जो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर सपोज़ तुमने अपनी चोटी बनाई हुई है यहाँ पे मेरी ड्राइंग पे मत जाना, चोटी बनाई हुई है इधर, तो तुम्हें लेफ्ट का राइट नज़र आएगा और राइट का लेफ्ट नज़र आएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है?
तो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. राइट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम डेली यूज विच एक्ट लाइक अ मिरर. तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा कि स्टील का स्पून हो गया, ठीक है, स्टील की प्लेट हो गई, कोई भी शाइनिंग सर्फेस हो गई, इवन पानी भी हो गया, पानी में भी आपको अपनी झलक नजर आती है. तो दैट बिहेव्स लाइक अ मिरर. क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट फोर प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. फोर प्रॉपर्टीज बतानी है आपको प्लेन मिरर की. तो ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो इमेज बनती है मिरर के पीछे, फिर वो सीधी होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज़ की होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है. तो ये चार के चार प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी आंसर नंबर थ्री में. फिर है, हाउ डू ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल टू अस. हमें ऑब्जेक्ट्स नज़र कैसे आते हैं? तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर फोर, कि ऑब्जेक्ट्स बिकम विजिबल ओनली व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देम रीचेज आर आइज. ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा. फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर, बाय बाय.